नमस्कार। माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक के सेकंड पार्ट के वीडियो में आज स्टडी करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। पिछले वीडियो के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन, शेप, साइज, उसका कोशिका में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होता है, इस बारे में स्टडी की थी। इस कोशिका में हम उसके संरचना के बारे में बात करते हैं, अल्ट्रास्ट्रक्चर। अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया थर्मस के समान संरचना होती है जो डबल लेयर होती है। इसकी जब आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल की दोनों झिल्लियां स्त्री स्त्री प्रकार की होती है, यूनिट मेम्ब्रेन प्रकार की होती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ये पढ़ा होगा, याद है आपको, याद होगा तो आपको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली ही नहीं, कोशिकीय अंगों के चारों तरफ भी प्लाज्मा झिल्ली की जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इसको हम इकाई झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये थ्री लेयर होती है, मतलब अंदर और ऊपर की तरफ, अंदर और बाहर की तरफ प्रोटीन लेयर और बीच की तरफ लिपिड लेयर, इसलिए इसको थ्री लेयर कहते हैं, जिसकी मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर है वो डबल लेयर होती है, दोनों ही यूनिट मेम्ब्रेन होती है, तो उसकी आउटर लेयर, बाहरी लेयर को हम कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। ये इकाई झिल्ली के समान संरचना होती है जिसकी मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है, जैसे मैंने बताया ये यूनिट मेम्ब्रेन होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी सतत आवरण बनाती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर बनाती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका द्रव्य से पृथक कर देती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के साइटोप्लाज्म से अलग करती है। बाहरी झिल्ली विभिन्न उपापचयी पदार्थों के लिए पूर्णतः पारगम्य होती है, मतलब जो इसकी जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वह पूर्णतः पारगम्य है, उसमें से कोशिका द्रव्य में से कोई सा भी पदार्थ, मटेरियल, अणु, तरल माइटोकॉन्ड्रिया और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में आ जा सकता है। बाह्य झिल्ली में 2.0 से 3.0 mu व्यास वाले छिद्र अनियमित रूप से होते हैं, जिस कारण से इसकी पारगम्यता बनती है। इस झिल्ली में साइटोक्रोम B5 प्रोटीन अणु उपस्थित होते हैं। इस झिल्ली में लिपिड के अणुओं की मात्रा अधिक होती है, मतलब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन के बनस्पत। इस झिल्ली में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पोरिन की उपस्थिति के कारण पारगम्यता बढ़ जाती है। तो इसके दो रीजन है क्यों पारगम्यता आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की पारगम्यता अधिक होती है, उसके दो कारण है। पहला उसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, दूसरा इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन एक प्रोटीन पाया जाता है पोरिन, जिसके कारण इसकी परमेबिलिटी काफी अधिक होती है, काफी अधिक है। दूसरी झिल्ली को हम कहते हैं जो अंदर की तरफ पाई जाती है, उसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। आंतरिक झिल्ली की मोटाई तथा संरचना बाह्य झिल्ली के समान ही होती है। आंतरिक झिल्ली से भीतर झिल्ली की तरफ अंगुलूपी पर्वत निकले रहते हैं, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। मतलब हमें, जैसे मैंने बताया था, यूनिट मेम्ब्रेन की समान संरचना होती है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दोनों यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है, इनकी संरचना समान होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ छोटे 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 उभार होते हैं, जैसे कि आने वाली स्लाइड में आपकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके लिए मालूम पड़ जाएगा, उन उभारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली का बाहरी भाग सी फेस कहलाता है, सी फेस साइटोसोल फेस कहलाता है, तथा इसका आंतरिक भाग एम फेस कहलाता है, एम फेस मैट्रिक फेस। कहने का मतलब है आंतरिक झिल्ली का जो बाहरी भाग है उसको हम कहेंगे सी फेस, क्यों? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म की तरफ है, और जो उसका आंतरिक भाग है वो किसकी तरफ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो पदार्थ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ होता है, इसलिए इसको हम एम फेस कहते हैं। एम फेस पर असंख्य गोलाकार उभार उपस्थित होते हैं। आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, अतः इसकी पारगम्यता कम हो जाती है। उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड की मात्रा जरा अधिक होती है, परंतु इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है वनस्पत आउटर मेम्ब्रेन के। और इसके इनर साइड पे क्रिस्टी के अलावा छोटे 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 बहुत सारे गोलाकार उभार भी पाए जाते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर्स। माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से कोष्ठक पाए जाते हैं, चेंबर्स पाए। सबसे पहला बाह्य चेंबर या बाह्य कक्ष या आउटर चेंबर। आउटर चेंबर्स ये दोनों झिल्लियां हैं, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उन दोनों का जो बीच का स्पेस है वो कहलाता है आउटर चेंबर। यह कक्ष दोनों झिल्लियों के मध्य उपस्थित होता है, इसे पेराकोन्ड्रियल अवकाश भी कहते हैं। यह क्रिस्टी में भी उपस्थित होता है, जैसे कि संरचना में आगे स्लाइड में बताएंगे स्ट्रक्चर, उसमें मालूम पड़ेगा कि इस क्रिस्टी के अंदर भी यह संरचना पाई जाती है। यह लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है, इसमें कम घनत्व वाला तरल भरा होता है, क्योंकि बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली पारगम्य होती है, अतः इस अवकाश में उपस्थित तरल का रासायनिक संगठन कोशिका द्रव्य के समान होता है।
मतलब बाहरी दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसको हम आउटर चैम्बर कहते हैं, जिसको हम पेराकोंड्रियल अवकाश भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई 60 से 80 एंगस्ट्रोम होती है तथा इसका जो अंदर जो तरल पाया जाता है उसकी संरचना बिल्कुल साइटोप्लाज्म के समान होती है। क्यों? क्योंकि चूंकि बाह्य मेम्ब्रेन की पारगम्यता बहुत अधिक होती है, इसलिए साइटोप्लाज्म का तरल लगातार इस आउटर चैम्बर में आता है, जिसके कारण इसका केमिकल कंपोजिशन साइटोप्लाज्म के समान है। अब बात करते हैं आंतरिक कक्ष की। यह कक्ष आंतरिक झिल्ली से आवृत होता है। यह एक चौड़ा अवकाश होता है तथा समांगी पदार्थ से भरा होता है। इस भरी हुई अदात्री जेल के समान होती है। इसमें घुलनशील प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। कुछ मात्रा लिपिड राइबोसोम व वृत्ताकार डीएनए की पाई जाती है। मतलब जो इनर मेम्ब्रेन जो जिस अवकाश को कवर करती है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का पूरा कक्ष है उसको हम बोलते हैं इनर चेम्ब्रेन। यह एक चौड़ा एरिया होता है वनस्पत आउटर चैम्बर के। इसमें भी एक तरल भरा होता है, अदात्री या मैट्रिक्स भरा होता है जो जेल के समान होती है। इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें लिपिड भी पाया जाता है, राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। इसमें और चीज क्या 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 पाया जाता है, जैसे कि इसमें ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं पाई जाती है। कणिकाएं कैसी? कणिकाएं अकार्बनिक अघुलनशील लवणों की बनी होती है। द्विसंयोजी धात्विक आयनों जैसे मैग्नीशियम का बंधन स्थल होती है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में शर्करा के बहुलक भी होते हैं। मतलब ये अकार्बनिक घुलनशील लवणों या सॉल्ट्स की बनी होती है, इनऑर्गेनिक होती है। दूसरा, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स पाया जाता है, वो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम से अलग होता है। इसमें 55 से 60 S तक राइबोसोम होता है, जबकि उसमें 80 S का राइबोसोम पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम से छोटे होते हैं, जैसे मैंने बताया। इसकी दो उपकाई होती है, 25 N 19 S। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात की जाए, संपूर्ण कोशिकीय डीएनए का मात्र 1% होता है। यह सर्कुलर टाइप का होता है, जैसे बैक्टीरिया में नहीं होता उस प्रकार का इसमें डीएनए पाया जाता है। इसकी परिधि लगभग 5 μ तक होती है। इसका अणुभार 9 से 10 मिलियन होता है। इसमें जी और सी का अनुपात केंद्रीय डीएनए से डिफरेंट होता है। इसका घनत्व केंद्रीय डीएनए से भी अधिक होता है। मतलब जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले डीएनए से इसमें क्या डिफरेंस है? एक तो इसमें जी सी का रेशियो ज्यादा अधिक डिफरेंट होता है, दूसरा इसका घनत्व उससे केंद्र की डीएनए से अधिक होता है। ये जैसे संरचना पूरी बताई गई है, ये बाहर की तरफ दिखाई गई है आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ दिखाई गई है इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में जो चैम्बर, इसके अंदर जो चैम्बर पाया जाता है उसको आउटर चैम्बर कहते हैं। अब जैसी उंगली जैसी संरचनाएं बनी होती है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ये आउटर चैम्बर इन क्रिस्टी के अंदर भी पाया जा रहा है। अब बीच में इसमें गोलाकार पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इनकी भी स्टडी हम आगे करेंगे। ये F1 पार्टिकल्स अंदर की तरफ दिखाए गए, रैकेट समान जो संरचनाएं दिखाई दे रही है। अब इसमें कैल्शियम ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें डीएनए बताया गया सर्कुलर है, और वह सभी जो अंदर का जो चैम्बर है इसको हम इनर चैम्बर कहते हैं, जिसके अंदर बहुत मैट्रिक्स या जेल समान पदार्थ भरा होता है। ये इसका एक सामान्य संरचना है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार दिखाई देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तीसरी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। जो उंगली समान संरचनाएं दिखाई दे रही है इनको माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहते हैं। अलग अलग प्रजाति एवं कोशिकाओं में क्रिस्टी की आकृति अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। सामान्यतः क्रिस्टी फोल्डेड, ट्यूबुलर, एंगुलर, ट्रांसफर या लॉन्गिट्यूडनल प्रकार की हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की दक्षता क्रिस्टी की संख्या व आकार पर निर्भर करती है। क्रिस्टी का आकार बड़ा होता है तो ऑक्सीडेशन की दर भी तीव्र होती है। नॉर्मली क्रिस्टी का आकार, उसकी संख्या कोशिका के एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। कोशिका अगर ज्यादा एक्टिव है, उसको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो उस कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा उसके अंदर क्रिस्टी अधिक लंबी और अधिक संख्या में अधिक पाई जाएगी। क्योंकि ये जो क्रिस्टी होती है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का के अंदर मेन पार्ट रोल प्ले करती है। दो ही चीजें क्रिस्टी और क्रिस्टी के ऊपर पाए जाने वाले जो F1 पार्टिकल्स दिखाए गए, ये दो चीजें मेन पार्ट रोल करते हैं। अब बात करते हैं इसका चौथा पार्ट, प्रारंभिक कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली एवं क्रिस्टी पर विशिष्ट प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिन्हें प्रारंभिक कण या एफ कण या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। इनकी खोज किसने की थी? फर्नांडिस मोरेन ने की थी। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनमें एक तो पॉलीहेड्रल हेड पाया जाता है। इसका भी स्ट्रक्चर अगली स्लाइड्स में आएगा, जिसमें हम इसको बता देंगे। इसमें पॉलीहेड्रल हेड पाया जाता है, जिसका व्यास 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार शीर्ष भाग में एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है। दूसरा, इसमें छड़ समान उस गोलाकार ये नीचे एक छड़ समान संरचना पाई जाती है जो इनर मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, उसको हम कहते हैं स्टॉक या व्रंथ। इसकी लंबाई 50 एंगस्ट्रॉम तक होती है व चौड़ाई 30 से 40 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें F5 OSCP एवं F6 प्रोटीन उपस्थित होते हैं। और सबसे नीचे होता है बेस, जो
इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उससे अटैच होता है। यह घनाकार होता है तथा इसका आकार 400 × 100 एंगस्ट्रॉम होता है। इसे F0 द्वारा भी निरूपित करते हैं। इसमें प्रोटीन चैनल उपस्थित होता है। प्रोटीन चैनल मतलब इसके अंदर के खोखलाकार, इसका अंदर आंतरिक भाग होता है वह खोखला होता है। यह एक स्ट्रक्चर है। किस तरह F1 पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यह जो ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी में किस तरह F1 पार्टिकल्स शो है, इसमें अटैच रह रहे हैं। जैसे कि क्रिस्टी का आकार है, क्रिस्टी भी एक यूनिट मेम्ब्रेन की संरचना है। बाहर की अंदर की तरफ लिपिड बाई लेयर लेयर है, अंदर की तरफ लिपिड है, बाहर की तरफ प्रोटीन पाया जा रहा है। और इसमें ये देखिए नीचे की तरफ देखें, F1 पार्टिकल्स बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं। F1 पार्टिकल्स में जो हेड होता है वो गोलाकार है, बीच में नीचे की तरफ स्टॉक है और या वरंथ है, और नीचे बिल्कुल इसके बेस है या आधार है। यह क्रिस्टी या इनर क्रिस्टी के अंदर धसा हुआ रहता है। तो इसके अंदर कौन कौन से किस प्रकार की संरचना है, ये पूरा इसके अंदर दिखाया गया। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो रासायनिक रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में 73% प्रोटीन और 27% लिपिड पाई जाती है। अब मैंने पहले बताया चुका है, आउटर लेयर में लिपिड ज्यादा होती है, इनर लेयर में प्रोटीन ज्यादा होता है। लिपिड का 90% फॉस्फोलिपिड एंड 10% कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई व अन्य अकार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ मात्रा में डीएनए व आरएनए पाया जाता है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं की प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण कर सकता है। वह खुद का एंजाइम खुद ही निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए आरएनए दोनों पाए जा रहे हैं, राइबोसोम्स भी पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का 70% भाग प्रोटीन का बना होता है। बाह्य झिल्ली में 10% प्रोटीन पाया जाता है। बाह्य झिल्ली मैंने बताया था लिपिड ज्यादा होता है, परंतु आंतरिक झिल्ली में 60% प्रोटीन उपस्थित होता है। बाह्य झिल्ली में लगभग 14 प्रकार के प्रोटीन एवं आंतरिक झिल्ली में अनेक प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। लिपिड की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का 30% भाग लिपिड का बना होता है। बाह्य फॉस्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, आंतरिक झिल्ली में कार्डियोलिपिन की मात्रा अधिक होती है। अगर डीएनए की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वृत्ताकार एवं 5 μ लंबा होता है। यह कुंडलित एवं बाई स्ट्रैंडेड होता है, द्विरज्जु की होता है। इसमें रेप्लिकेशन द्वारा असंख्य डीएनए का निर्माण हो सकता है। यह डीएनए एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का गुणसूत्र होता है। इसका भी केंद्र की डीएनए के समान रेप्लिकेशन हो सकता है, मतलब एक डीएनए से अनेक डीएनए बन सकते हैं रेप्लिकेशन के द्वारा। आरएनए की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए उसकी मैट्रिक्स में उपस्थित होता है, जो इनर चैम्बर के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से अनुलेखन के द्वारा, माफ कीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यह राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के प्रति प्रतिरोधी होता है। एंजाइम की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में खाद्य पदार्थ के तीनों घटक क्रेब चक्र के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन के दौरान निर्मुक्त ईटीएस इलेक्ट्रॉन ईटीएस से प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया में अनेक एंजाइम एवं क्रोएंजाइम भाग लेते हैं। झिल्ली और धात्री उपस्थित होते हैं। एंजाइम को लेंजर ने सारणीबद्ध किया। इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। जैसे कि इसमें मेन काम क्या होता है, जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्रेब चक्र के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का निर्मित होता है वह इसके अंदर पाए जाने में ईटीएस। ईटीएस क्या है, एक एंजाइम्स और इनकी चेन है कि इलेक्ट्रॉन लगातार एंजाइम्स और साइटोक्रोम्स की चेन है। एक एंजाइम एक जगह से एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम से दूसरे साइटोक्रोम में होता हुआ जंप करता हुआ आगे पहुंचता है, अंत में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण करता है। तो यह कहां से पाया जाता है, यह जो उसकी जो इनर क्रिस्टी जो इनर वॉल है उसके अंदर पाया जाता है, जिसके द्वारा एटीपी फॉर्मेशन होता है। अगर इसके एंजाइम की बात की जाए तो बाह्य झिल्ली के एंजाइम जैसे बताएंगे मोनोअमीन ऑक्सीडेज, रोटियोन, इंसेंटिव एनएडीएस, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, काइनुरिन हाइड्रोलेज, थायोकाइनेज। बाह्य कक्ष के एंजाइम एडिनाइलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। आंतरिक झिल्ली के एंजाइम जो पाए जाते हैं वो रेस्पिरेट चेन एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज, ऑक्सीडेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कार्निटिन, फैटी एसिड, एसाइल ट्रांस। आंतरिक कक्ष के एंजाइम कौन कौन से, आइसोसाइट्रेट, डाइड्रोजनेज, फ्यूमरेज, एकोनिटेज, सिट्रेट सिंथेटेज, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, एल मैलेट डिहाइड्रोजनेज, एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, गामा अमीनो सॉरी डेल्टा अमीनो ल्यूबुलिन सिंथेटेज, फॉस्फेटिक एसिड, सिटिडिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सभी के सभी सेलुलर रेस्पिरेशन संबंधित है। अगर इसके एनोर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, अकार्बनिक घटक की बात की जाए, तो इसमें कुछ मात्रा में आयरन, आयोडाइड, कॉपर, कैल्शियम,
मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम की बात आती है, विटामिन में मेनली विटामिन ई उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो इसमें मेनली सियालिक एसिड पाया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सियालिक एसिड कोई एसिड नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है और ये मेमल्स की खासियत है। सियालिक एसिड सिर्फ मेमल्स के अंदर पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें सियालिक एसिड पाया जाता है, सियालिक हम ग्लाइकोसाइड हम ग्लाइकोप्रोटीन के साथ संबंधित होता है। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, धन्यवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।